मैं सुफिया मलिक और आप देख रहे हैं पीकेएन न्यूज़। सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बरा इंसदादे समूह का इजलास हुआ, जिसमें समूह की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। माहरीन माहौलियात और सेहत ने समूह में कमी और समूह के मुज़िर असरात से बचाने के लिए तजावीज़ पेश की। मज़ीद तफ़सीलात प्योर चीफ लाहौर मियाँ कबीर अहमद की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़रा MS तनवीर डॉक्टर जवेद अकरम, मंसूर कादर, आमर मीर, अजफर अली नासर, इब्राहिम हसन मुराद, बलाल अफजल चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और मुतलका महकमों के सेक्रेटरीज और आला हुकाम ने इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए नगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि तालीमी इदारे कल बरोज हफ्ता बंद रहेंगे, जबकि मार्केट्स, बाजार और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुलेंगे। रेस्टोरेंट और दीगर बिजनेस हाउसेज भी मामूल के मुताबिक खुलेंगे। 18 दिसंबर से पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात होंगी। सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव का अमल बदस्तूर जारी रहने की हदायत की, जबकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ी के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म दिया। टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। स्मॉग में कमी के लिए जो कुछ इंसान बस में है वो इकदाम उठा रही है। पूरी कोशिश है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम रहे।